आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज 3 सीटों पर मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण में कुल 41 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनके भाग्य का फैसला अब 4 जून को जनता करने वाली है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो शाम 6 बजे तक 71.03% मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों पर उत्साह के साथ मतदान करने के लिए मतदाता भी आज नजर आए। छत्तीसगढ़ में लगातार हमने देखा कि आज मतदान प्रतिशत भी बढ़ता हुआ नजर आया और मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस पर तमाम जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, लगातार जिस तरीके से आज देखा गया कि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज मतदान हुआ और कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला, तो एक बार इसको लेकर पूरा अपडेट आप हमारी जनता को दें। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में तो मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा और 5 बजे तक जो है औसतन तीनों सीट का मिलाकर 72% करीब मतदान हुआ है और जो है 1 घंटे का मतदान बाकी था 5 बजे का जो ये आंकड़े उसके बाद, तो उसके जो है आंकड़े और आएंगे तो ये पिछली बार जो है तीनों सीटों में औसतन 74% हुआ था, उस हिसाब से करीब करीब वैसे ही इस बार मतदान जाता दिख रहा है, तो ये कमी नहीं आ रही है। अगर 74% एक अच्छा प्रतिशत होता है और जैसा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है कि ये पिछड़ा राज्य है और वनवासियों का राज्य है, वनांचल का राज्य है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो आज का जो मतदान का प्रतिशत है ये काफी अच्छा है, उत्साहजनक है और मतदान के जो प्रतिशत जो है उसके आंकड़े, अंतिम आंकड़े कुछ देर बाद और उपलब्ध होंगे, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि मतदान के प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं आई, ठीक ठाक मतदान हुआ है तीनों ही लोकसभा सीट में, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में। जी आकांक्षा, हेलो। वही अनिल जी, अगर बात करें तो पिछले चरण का जो मतदान हुआ था 19 अप्रैल को, उसके बाद आज के मतदान प्रतिशत में किस तरीके का अंतर देखने को मिला? नहीं, आज तो अच्छा हुआ है, पिछली बार तो 62-63% करीब हुआ था, लेकिन आज जो है वो 74% करीब जो है मतदान, 72% करीब मतदान हो चुका है और 2019 में इन्हीं तीन लोकसभा सीट पे 74% करीब मतदान हुआ था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई मतदान के प्रतिशत में ना गिरावट है बल्कि अभी 1 घंटे के मतदान के जो आंकड़े आने हैं अंतिम घंटे के, अभी आए नहीं है, तो वो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो वो मतदान ठीक ठाक हुआ है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ का मतदान उत्साहजनक रहा है और सुबह से ही लाइन लगी थी तो समझ में आ गया था कि मतदान के प्रतिशत में छत्तीसगढ़ में तो कम से कम गिरावट आने वाली नहीं है। जी आकांक्षा जी बिल्कुल, अगर हॉट सीट की बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर किस तरीके का मतदान प्रतिशत देखने को मिला, क्योंकि राजनांदगांव एक बड़ी सीट मानी जाती है छत्तीसगढ़ की और जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह था तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो राजनांदगांव सीट के लोकसभा चुनाव के जो भी नतीजे होंगे वो काफी आकर्षक होंगे, तो आज का जो मतदान था वो किस तरीके का रहा इस हॉट सीट पर? देखिए राजनांदगांव में भी उत्साहजनक था, देखिए राजनांदगांव जो है वो आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित है, चार राजनांदगांव के लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभाएं हैं जिसमें से 4 जो है डोंगरगांव, अहमदगढ़ चौकी, मानपुर मोहला, ये 4 विधानसभा जो है वो नक्सल प्रभावित है, तो इस हिसाब से और बाकी क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, तो उस हिसाब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर इस बार जो है मतदान जो है बढ़ने का कारण एक ये है कि ये सीट, ये इलेक्शन जो है राजनांदगांव का हाई प्रोफाइल हो गया क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है, पहले यहाँ से भोलाराम सिन्हा पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनका टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा अभी जीते हैं विधायक है भूपेश बघेल, उनको मैदान में उतारा है, तो ये चुनाव काफी रोचक हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर प्रतिशत कम होने की तो का सवाल ही नहीं उठता और ये काफी हाई प्रोफाइल सीट हो रही है और भाजपा ने भी अपने 9 सांसदों में से 7 सांसदों के टिकट काटे हैं और जिस 2 सांसदों की जो रिपीट किया है उसमें से 1 जो है संतोष पांडे राजनांदगांव से ही है, तो राजनांदगांव सीट में तो शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, वनांचल भी है, तो ये काफी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से यहाँ का चुनाव काफी जो है चर्चित हो गया था, हाई प्रोफाइल हो गया था, तो यहाँ पर मतदान के कम होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी और सुबह से ही
जिस तरह से जो है कतारें लग रही थी पोलिंग बूथ पर, तो उससे लग रहा था कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुद रमन सिंह भी जो है यहाँ के मतदाता है कवर्धा के, वो भी 12 बजे गए थे। यहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा है, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र के संवाद मतदाता है, वो भी सुबह सुबह उन्होंने कवर्धा में जाकर मतदान किया था। तो मतदान यहाँ काफी अच्छा था, उत्साहजनक था। और राजनांदगांव ही नहीं, बाकी दोनों जो लोकसभा सीट है कांकेर और महासमुंद, यहाँ पे भी मतदान अच्छा हुआ है। देखिए अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ का मतदान का प्रतिशत जो है पिछली बार भी जो है पहले चरण में गिरा नहीं था, 2% के जो है गिरावट आई थी, तो वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती। और इस बार तो ऐसा लगता है करके कि पिछले बार 74% जो औसत था उससे 1-2% ज्यादा ही होगा। आकांक्षा, वही अनिल जी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा का मुद्दा है वो काफी अहम हो जाता है, और कई इस तरीके की घटनाएं भी सामने आती हैं कि सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। तो आज अगर दूसरे चरण के मतदान की बात करें या पहले चरण की भी अगर बात करें, तो किस तरीके का परिवर्तन इस बार देखने को मिला? नहीं, देखिए ये बात तो, ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए पहला जो पहले चरण की पहली सीट थी बस्तर, वो पूरी की पूरी जो है नक्सल प्रभावित सीट थी, और उसमें तो 172 करीब जो पोलिंग बूथ थे वो संवेदनशील थे और 92 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील थे। तो वहां तो सुरक्षा की जो है बहुत जबरदस्त व्यवस्था की थी इलेक्शन कमीशन की। वो सफलता थी कि जो चुनाव को बिना हिंसा के, बिना जानमाल के क्षति के, बिना कोई नक्सल वारदात के छिटपुट घटना भी नहीं हुई थी, और एकदम सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण उन्होंने चुनाव निपटाया था। तो ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी सफलता थी, पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता थी, फोर्सेस भी बहुत जबरदस्त उन्होंने डिप्लॉय किए थे। और आज भी जो है, आज भी जो जो चुनाव मतदान हुआ है, तीनों जो लोकसभा सीट है वो तीनों आंशिक रूप से जो है प्रभावित है नक्सल से। ये महासमुंद जो लोकसभा सीट है उसके उसके अंतर्गत 8 जो विधानसभा सीट आती है, उसमें मात्र एक बिंद्रानवागढ़ विधानसभा सीट के 9 पोलिंग बूथ भरबस नक्सल प्रभावित थे, बाकी कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा सीट के 4-4 थे। तो 2 करीब लाख जो है सुरक्षाकर्मी जो है उसमें उनको डिप्लॉय किया गया था। तो कहीं कोई चूक ना हो जाए इसलिए प्रशासन पहले से चुस्त था, और ऐसी व्यवस्था जो है ये इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन स्थानीय प्रशासन की सफलता है। चुनाव में कोई नक्सल का जो है इस बार जो है कोई प्रभाव दिखा नहीं है। जी वही अनिल जी अगर बात करें तो कई दिग्गज नेता भी वोट डालते हुए नजर आए, तो क्या लगता है कि जनता का किस तरीके का रुख आज देखने को मिला? नहीं देखिए, जनता यहाँ पहले ही जागरूक है, इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह जो छत्तीसगढ़ पर एक ठोक पिछला राज्य है, पिछड़ा राज्य, तो छत्तीसगढ़ की जनता पिछड़ी बहुत जागरूक है और अपने जी। वही अनिल जी अगर बात करें तो आगे तीसरे चरण के लिए भी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, तो क्या लगता है इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि दूसरे चरण में भी आज काफी उत्साह देखने को मिला, तो अब तीसरे चरण के लिए जो दिग्गज नेता हैं बड़ी रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे, इसका क्या कुछ असर होगा? नहीं, तीसरे चरण में शांतिपूर्ण जो है मैदानी, मतलब सारी जो जो सीटें हैं जी, वो वहां पर कहीं पे कोई नक्सल का प्रभाव नहीं है, सब मैदानी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। तो वहां पर तो, और सब बड़े बड़े नेता वहां पर रैली करेंगे, ये करेंगे, और शहरी क्षेत्र भी है उसमें अधिकांश, तो इसलिए यहाँ तो जागरूकता है ही। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है आकांक्षा, की चुनाव जब लोकसभा के शुरू हुए तो पहले चरण में तो एक बड़ी निरस्ता रही, बहुत नहीं रहा, लेकिन अलग से जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की और उसके बाद जब मैनिफेस्टो किया तो उसके बाद एक आक्रामकता आई है, जो वो आक्रामकता है बिल्कुल, और इसीलिए जो है हमने आने लगे हैं, निकलने लगे हैं जी। पहले देखिए, लेकिन बहुत उत्साहित है लोग अब। और दूसरी बात ये है,
ठीक है अनिल पुसदकर जी, तो मैं फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो आज का चुनाव था वो काफी उत्साहित था और लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए लोग पहुंचे और मतदान करते हुए नजर आए, बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के ये दूसरे चरण का मतदान जो था वो संपन्न हुआ। वही अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की जिस तरीके से हमने बात की तो आज 3 सीटों पर मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ की कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट पर अब वोटिंग भी खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण में बता दें कि 41 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे जिनके भाग्य का फैसला अब जनता करने वाली है और फैसले 4 जून को आप सभी के सामने आ जाएंगे। और शाम 6 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 71.03% मतदान होता हुआ नजर आया है। वहीं छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों पर उत्साह साथ मतदाता आज मतदान करते हुए भी नजर आए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों